गच्चा दे दिया, गच्चा देना, चकमा देना, चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, अलग अलग माइनोसिस का इस्तेमाल होता है अपनी अपनी बात को कह देने के लिए। गच्चा एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को देता है, गच्चा सियासत में जो सियासतदान हैं वो ऐन चुनावों से पहले अपनी पार्टी को देकर जनता को दे देते हैं या अपनी पार्टी को दे देते हैं। लेकिन गच्चा, आज हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? गच्चा पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गच्चा दे दिया इस बात का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा मौजम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री आज जब खड़े हुए सदन के अंदर तो उनके सामने था एक गंभीर प्रश्न जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उनके आगे रखा था, महिलाओं पर हो रहे अपराधों को लेकर जो उत्तर प्रदेश में स्थिति है उस पर माता प्रसाद पांडे ने सदन के नेता से यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया था। सीएम खड़े होते हैं और पहले तो उनका अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया है, लेकिन फिर यहाँ पर वो कुछ ऐसा कह देते हैं कि उसके बाद पूरा ही सदन ठहाकों से गूंज उठता है। कैसे सीएम ने गच्चा दे दिया वाले इस वाक्य का इस्तेमाल किया अपने भाषण में, अपने जवाब में, पहले वो सुन लीजिए फिर हम चर्चा करेंगे। आपने नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो दो बार इस सामान्य सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर, पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। तो सुना आपने, माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर भतीजे ने चचा को गच्चा दे दिया। चचा कौन? शिवपाल यादव। और ऐसा कहकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमजोर नस को दबा दिया। किसकी कमजोर नस? चचा और भतीजे की। अब जब सीएम ने शिवपाल यादव को चर्चा में ला ही दिया था तो फिर वो कैसे चुप होते? वो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के बगल में ही बैठे हुए थे, वो भी खड़े हुए और स्पीकर की अनुमति के साथ इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें किसी ने गच्चा नहीं दिया, माता प्रसाद पांडे को उनके अनुभव को देखते हुए, उनकी सीनियोरिटी को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। लेकिन वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी की तरफ इशारा करके कह दिया कि गच्चा तो आपने हमें दिया, वो भी तीन तीन सालों तक। अब आप शिवपाल यादव का ये बयान सुन लीजिए। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, ठीक है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं ना कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ यहाँ बैठ गए। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए। मैं कहना चाहते हैं तीन वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। तो शिवपाल यादव ने माना कि तीन साल तक सीएम योगी ने, बीजेपी ने उन्हें गच्चा दिया। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब चाचा और भतीजे में टकराव था, आपसी मतभेद इतना बढ़ गए थे कि शिवपाल यादव चाचा दूर हो गए थे भतीजे से और लगातार बीजेपी के संपर्क में थे। वो इस उम्मीद में थे कि उन्हें उनके अनुभव को देखते हुए, उनके कद को देखते हुए बीजेपी के अंदर कोई कुर्सी मिल जाएगी, कोई मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसी को उन्होंने कहा कि गच्चा तो उन्हें इन्होंने दिया तीन साल तक, यानी कि बीजेपी ने दिया तीन साल तक। ये बहुत ही कमजोर नब्ज है। इस नब्ज का जिक्र मुख्यमंत्री रहते हुए और नेता प्रतिपक्ष रहते हुए अखिलेश यादव कई मौकों पर कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कई मौकों पर सदन के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि लगातार बीजेपी की ओर से,
मुख्यमंत्री योगी की ओर से अपने अपने भाषणों में शिवपाल यादव, अखिलेश यादव या यादव परिवार को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाती है और वो अपमानजनक होती है। इस बात को लेकर अखिलेश यादव अपनी आपत्ति जता चुके हैं, लेकिन जैसे ही इस गच्चे पर चर्चा आगे बढ़ी पूरा सदन ठहाकों से गूंज रहा था। दिलचस्प बात यह है कि जो सियासी माहौल होता है सदन के अंदर, उसमें अक्सर हम देखते हैं कि तीखे तेवर होते हैं, एक दूसरे को लेकर जो आक्रामक मुद्राएं अपनाई जाती हैं वो तीखे भाषणों में देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पूरा ही सदन ठहाकों से गूंज रहा था। और ये सब क्यों हुआ? मुख्यमंत्री योगी की एक वाक्य से, और हमेशा गंभीर विषयों पर गंभीर तरह से चर्चा का जवाब देने वाले मुख्यमंत्री योगी बड़े हल्के फुल्के अंदाज में, जिस तरह से उन्होंने कहा कि चर्चा को गच्चा दे दिया भतीजे ने, और वो भतीजा जो हमेशा भयभीत रहता है। जी हाँ, बिना अखिलेश यादव का नाम लिए उन्होंने कहा कि भतीजे तो हमेशा भयभीत रहते हैं, फिर जब वो लखनऊ में बैठकर इतनी बड़ी बात कह देंगे तो दिल्ली पहुंचे हुए अखिलेश यादव भला उस पर रिएक्शन कैसे नहीं देंगे। यहाँ चल रहा है बजट सत्र, तो अखिलेश यादव से जब इस बात पर उनका रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हमने किसी को गच्चा नहीं दिया है, गच्चा तो दिया है इन्होंने दिल्ली को। अखिलेश यादव का ये रिएक्शन भी सुन लीजिए। तो गच्चे पर गच्चा, गच्चे पर गच्चा और सियासी चर्चा लगातार बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। ये मैंने पहले ही बताया आपको कि उस समय की बात थी जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव दूर थे, उनके मतभेद इस तरह बढ़े हुए थे, सियासी दूरियां पारिवारिक दूरियों में भी बढ़ गई थी, लेकिन अब दोनों माहौल को, नज़ाकत को समझते हुए, राजनीतिक आवश्यकताओं को भांपते हुए एक साथ आ गए हैं, और इसीलिए शिवपाल यादव को इस बात का जवाब देना पड़ा है कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को बनाकर उनकी पार्टी ने उनके साथ गलत नहीं किया है, बल्कि उनकी राय को ही आगे रखते हुए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। दरअसल कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव जब चुने गए तो उन्हें करहल विधानसभा सीट छोड़नी पड़ी, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष थे वो सदन के अंदर, तो उस बात को लेकर कयास उठ रहे थे कि अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कयास शिवपाल यादव के नाम को लेकर बहुत तेज थे कि शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी पिछड़े वर्ग के नेता को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आगे लाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम सियासी अनुमानों को धता बताते हुए अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का ऐलान किया, जो इटवा सीट से विधायक हैं, और ऐसे में माता प्रसाद पांडे को जब नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो ये कहा गया कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपनी सियासी परिपक्वता का परिचय दिया और एक ऐसा कार्ड खेल दिया जिसकी उम्मीद बीजेपी नहीं कर रही थी। लेकिन आज एक बार फिर सदन में सियासी गर्मा गर्मी के बीच ये जो ठहाकों वाला माहौल देखने को मिला है वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर जो वार पलटवार है वो और तेज़ हो जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के रिएक्शन से पहले जो शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया था तो उसमें उन्होंने उनके और दोनों ही प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच के रिश्ते को लेकर भी निशाना साध दिया था। कहा था कि हमें किसी ने गच्चा नहीं दिया है, गच्चा तो आपके दोनों डिप्टी सीएम देंगे। तो उत्तर प्रदेश की सियासी हवा किस तरफ बह रही है, बयानबाजी किस ओर हो रही है, इशारा कहाँ है और निशाना कहाँ है, आप बेहतर बता पाएंगे, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।